हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग? गाइस, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो होने वाला है आपकी कौन सी विश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। यस, आज हम इसी टॉपिक पे रीडिंग करने वाले हैं। देखने वाले हैं यूनिवर्स आपके कौन से विश ग्रांट करने वाले हैं। ठीक है, सो व्यूवर्स, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है। हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हो, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना भी, उस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस के लिए। सो लेट्स सी आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, मेरे व्यूवर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं इनकी कौन सी विश पूरी होगी। डिवाइन एंजल हमें बताएं, प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूवर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं इनकी बहुत जल्दी कौन सी विश पूरी होने वाली है। डिवाइन एंजल प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। ओके, कौन सी विश पूरी होने वाली है, कौन सी विश पूरी होने वाली है। ओके, सो लेट्स सी। ओ माय गॉड, नंबर 3, ये कार्ड वीवर्स यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, उनकी विश फुलफिलमेंट के ही कार्ड हैं। ठीक है, ये विश फुलफिलमेंट के ही कार्ड हैं जी। बॉटम से है ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले आपकी लाइफ में व्यूवर्स देखो यहाँ पे एनर्जीज क्या कहती हैं। ठीक है, ये कार्ड है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का, और ये कार्ड यहाँ पे बहुत कुछ आपकी लाइफ में बताता है। जैसे कि आप जैसे बटरफ्लाई देखी है ना, किस किसने देखा बटरफ्लाई का ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए, बताना मुझे। जस्ट वैसे ही आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन होगी, जैसे कि आप अभी कुछ और ही लाइफ जी रहे थे, अभी आपकी लाइफ में कुछ और ही चल रहा था, लेकिन वो जैसे ज़रूरी था, ये ऐसा भी कह सकती हूँ जैसे ज़रूरी था कि आप उस नेक्स्ट स्टेज से जाने से पहले वो सब कुछ देख लें, समझ लें, सीख लें। कुछ लोग लिए ये व्यूवर्स मुझे बातें आई, सुनने में आपको बड़ा अजीब लगेगा कि यार ये क्यों ज़रूरी था, सीधे सीधे क्यों नहीं मिल गया, यूनिवर्स ने घुमा फिरा के क्यों हमें ये चीज़ दे रहे हैं। देखो भाई, यूनिवर्स का अपना पैटर्न है ना, हम किसी को कुछ कह नहीं सकते। अब आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो बटरफ्लाई है वो पैदा ही बटरफ्लाई की तरह हो, उसको प्यूपा ना बनना पड़े, उसको लार्वा ना बनना पड़े, उसको एक मतलब एक कीड़े वाली ज़िंदगी ना जीनी पड़े, जैसे वो जिसमें पत्ते वत्ते खाए, है ना। उसके अपना ही प्रोसेस है, जैसे उसको प्रिपेयर किया जाता है, पहले उस स्टेज तक पहुंचो, उसके बाद में फिर एक लाइफ में पॉज आएगा, फिर तुम अपनी लाइफ में एक ऐसी जगह पे स्टक हो जाओगे जहाँ पे सब चीज़ थम जाएंगी, एक समय थम जाएगा, लेकिन वो समय अपनी तरफ से काम कर रहा है ना, उस समय काम कर रहा है, वो आपको बदलने का काम कर रहा है। ठीक है, और आप एक पॉज में जैसे डेवलप हो रहे हो, डेवलपमेंट आपका चल रहा है। ठीक है, जैसे वही अंडे वाला कहानी हो गई कि अंडे के अंदर रह के आपका डेवलपमेंट प्रोसेस चल रहा है, आपको लग रहा है कि यार मेरा दम घुट रहा है, मेरी सांसें थम रही हैं, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मेरी लाइफ पॉज हो गई, स्टक हो गई, एक ही जगह रुक गई है, कुछ भी अच्छा होता हुआ नहीं नज़र आ रहा, बहुत समय से स्टक हो गया एक ही लाइफ के अंदर, एक ही चीज़ के अंदर, एक ही सिचुएशन के अंदर, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ये आपकी लाइफ में करंटली चल रहा होगा। आप अभी क्या होगा, अपनी लाइफ में आप स्टक हो गए है ना, लेकिन ये स्टकनेस क्या कर रही है, ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है। ये स्टकनेस क्या कर रही है, आपको धीरे 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 ही सही पर आपका डेवलपमेंट कर रही है, आपके माइंड का, आपके सोचने का, आपकी बॉडी का, ठीक है, हर चीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है, आपके देखने के नज़रिए का, हर चीज़ का, मतलब सब में, लाइफ के जितने भी आस्पेक्ट हो सकते हैं हर चीज़ में डेवलपमेंट हो रहा है, ताकि जब आप निकलो उस पॉज से बाहर फिर आप इस तरह से ही मुझे नज़र आओ। जैसे कि आप खुद को देख के कहोगे, शॉक हो जाओगे कि यार मेरी ये रियलिटी थी क्या, ये मेरा आईना था क्या, मैं ऐसा बनने वाला था, या फिर ये मेरी कहानी कुछ और ही है। मतलब बिल्कुल डिफरेंट अपोजिट आस्पेक्ट है यहाँ पे आपकी लाइफ का, मैं देख पा रही हूँ कि आप थे कुछ और, आप बनने कुछ और वाले हो। ठीक है, आपको मे भी लोग कुछ और देखते हो, आपको लोग किसी लायक ना समझते हो, ऐसा भी होता है समवेयर, यार ये इंसान कुछ नहीं कर सकता, लोग ऐसे घर वाले भी ताने मारते हैं, डफर है, इसकी लाइफ का कुछ हो नहीं सकता, इसका भाग्य खराब है, मतलब बहुत कुछ बोला जाता है, खून के आंसू भी रोए जाते हैं, कहते हैं ना जब बड़ा हर्ट होता है कोई अपना ही बोल दे इस बात को, यार इसकी लाइफ का कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो ऐसा भी कुछ ना कुछ लोगों की लाइफ में नज़र आ रहा है, समवेयर देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में घट रहा है, घटने दो, बहुत अच्छा चल रहा है। अब इसके साथ में हो क्या रहा है व्यूअर्स, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, सबसे पहले आपकी विश कौन सी ग्रांट हो रही है यहाँ पे, जैसे कि मैंने बोला बटरफ्लाई की तरह आप शाइन करने वाले हो। जो इंसान
पत्ते खा रहा था, मैं ये नहीं बोल रही आप पत्ते खा रहे थे, जैसे समझने की कोशिश करना जो बिल्कुल बेसिक पे था, अब उसके नसीब में फूल आने वाले हैं, ठीक है। कहाँ पत्ते, कहाँ फूल, कहाँ फूलों का मीठा मीठा रस, लाइफ का मीठा मीठा स्वाद, है ना, इन्जॉयमेंट वाली लाइफ, वो आपकी लाइफ में यहाँ पर आने वाली है। तो बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है व्यूवर्स, जस्ट कैच दैम, इसको आप इन्जॉय करें। इसमें भी अपने आप को शांत रखें, डीप ब्रीथ लें, जैसे कि बहुत ज़्यादा कभी कभी एंग्जाइटी होती है ना, तो उसको रिलीज़ करें इस तरह से। सोचें कि ये पॉज है और ये एक ट्रांसफॉर्मेशन की ड्यूरेशन है जिसमें मैं बदल रहा हूँ, मेरी लाइफ बदल रही है, सो इसे वेलकम करें, ठीक है। हार्वेस्ट, मटेरियल हार्वेस्ट, हर तरह की हार्वेस्टिंग है, और ये दोनों कार्ड इन्हीं चीज़ों को दिखाते हैं अपनी आपकी लाइफ में, ठीक है। समवेयर एक मैसेज मुझे कुछ लोगों के लिए मिला, मे बी हर एक से रेजोनेट आऊँ, जस्ट लाइक अ बिकमिंग अ फादर और मदर, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए हो सकती है एनर्जी, जहाँ पर आप अपनी लाइफ में और चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। एक प्रोडक्शन वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, जैसे आपके थ्रू और भी चीज़ें निकल के बाहर आएंगी, कुछ नए आइडियाज़ भी निकल के बाहर आएंगे, आप कुछ नई चीज़ें टैलेंटेड करने वाले हो अपनी लाइफ के अंदर, अपनी फील्ड के अंदर, मे बी समवेयर अपने घर के अंदर भी आप एक ऐसे पर्सन बनोगे जिसने अब तक जो पहले आपकी पीढ़ी ने नहीं किया, आपके आपके लोगों ने नहीं किया, वो आप करने वाले हो, ठीक है। तो आप एक प्रोडक्शन का काम करने वाले हो, मुझे कुछ लोग मुझे प्रोडक्शन वाली फील्ड में भी जाते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर बोलूँगी कि आप जो भी काम कर रहे हो, आपके द्वारा जो भी काम होगा, है ना, वो आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें देगा आपकी लाइफ में। कहने का मतलब ये कि आप जो भी आइडिया ग्रो करोगे, ठीक है, वो एज ए फ्रूट आपको उसका लाखों गुना देगा, क्योंकि यहाँ पे भी बस वही नज़र आ रहा है, हार्वेस्ट की एनर्जी है जो दिखाती है हर तरह की कंप्लीट अबंडेंस, खाने पीने का भी अच्छा रहेगा, लाइफ बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगी, अच्छे से अच्छा खाना, अच्छे से अच्छा पहनना, अच्छे से अच्छा बैंक बैलेंस काफ़ी अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है कुछ लोगों की लाइफ में। इमोशनल सेटिस्फैक्शन है, ठीक है, यहाँ पे मतलब एक सुकून भरी नींद है, क्योंकि मुझे यहाँ पे पिलो भी दिख रहा है, तो एक सुकून भरी नींद है, तो वो मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। तो यस, ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी बेहतर है आप लोगों के लिए यहाँ पे। सो व्यूअर्स, यहाँ पे अगर हम देखें ना, तो विश फुलफिलमेंट में क्या आ रहा है, अचानक से आपकी लाइफ में कोई ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। आपने अपनी लाइफ में अगर कोई काम किया था, उसमें ग्रोथ नहीं मिल रही थी, तो उसमें ग्रोथ मिल जाएगी। एक पॉज से, लाइफ में एक स्टकनेस से आप मुझे बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी विश फुलफिलमेंट है। जैसे कि आप कह रहे हो कि यूनिवर्स मेरी लाइफ में कुछ तो करो, मुझे इस सिचुएशन से बाहर तो निकालो, मुझे इस सिचुएशन से, जैसे कि मैं थक गया हूँ इस सिचुएशन को वियर अप करते 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 करते, नाउ आई वांट समथिंग न्यू, ठीक है, मुझे कुछ नया चाहिए, मेरी लाइफ में कुछ नयापन चाहिए, तो वो विश यहाँ पे मुझे पूरी होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। क्योंकि 3 और 9 की एनर्जी गाइज यहाँ पे दिखा रही है कि 3 गुना ज़्यादा मिलना, ठीक है, उम्मीद से भी ज़्यादा मिलना। तो कुछ लोगों के लिए यस, मैं ये कहूँगी कि आपने मांगा तो मे बी लिटिल बिट था, पर मिलेगा आपको उसका 3 गुना ज़्यादा, क्योंकि जिन लोगों ने जितना वेयर अप किया है इस ट्रांसफॉर्मेशन में, जितनी चीज़ें आपने बर्दाश्त की हैं, है ना, ये उन्हीं के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने कितना समय लगाया, कितना समय आपको लगा, और उसी हिसाब से आपको चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। तो सबकी लाइफ में ग्रोथ का लेवल में भी डिफरेंट डिफरेंट होगा, बट यस, आप एक पॉज से बाहर निकलेंगे, आपको ग्रोथ मिलेगी, आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, क्योंकि मैं समवेयर आपको दिख रही हूँ जैसे आप किसी चीज़ से डिटैच होना चाह रहे हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा जैसे कि अपने आप को अलग थलग सा महसूस भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे व्यूअर्स, मैं वही देख रही हूँ कि एक इमोशनल लेवल पे और एक मेंटल लेवल पे आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूटे हुए हो। ये दोनों कार्ड व्यूअर्स इन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में आप डिस्ट्रैक्टेड हो, दिमाग कहीं और, दिल कहीं और चल रहा है, बोल कुछ और रहे हो, मन में कुछ और है, इस तरह की एनर्जी में आप लोग हो। कहीं ना कहीं ये जो आपकी लाइफ में चल रहा है ना, ये जो डबल हो गए आप पहले से, पहले आपकी लाइफ में कम था, ये जो डिस्ट्रैक्शंस है, ये सफ़र है, ये जो पेन है, ये अभी डबल हो चुका है, क्योंकि इस लास्ट स्टेज है आपकी लाइफ की ये, ठीक है, आपके ट्रांसफॉर्मेशन की लास्ट स्टेज चल रही है, और इसी लास्ट स्टेज से निकल के आप मुझे इस स्टेज में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स, मैं आपके लिए गुड न्यूज़ ही देख पा रही हूँ, ठीक है। जैसे आप धीरे धीरे, आपकी लाइफ की कोई पज़ल है यहाँ पे जो सॉल्व हो रही है, ठीक है, आप उस स्टेज पे आ गए हैं जहाँ पर अपनी लाइफ का आप जो पज़ल, जो आपको उलझा हुआ बहुत रखा हुआ है, जिसने उलझा हुआ रखा हुआ है ना,
आप समझ नहीं पा रहे हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ मैं लगाऊं जिससे मेरी लाइफ की ये जो गुत्थी है वो सुलझ जाए, है ना। तो बस वही यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ की वो गुत्थी सुलझती हुई नज़र आ रही है, कड़ी से कड़ी जुड़ रही हैं और आप एक अलाइंग होते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, कड़ी से कड़ी जुड़ रही है यहाँ पे, ठीक है। सो डोंट वरी व्यूअर्स, आपके लिए यही बोला जा रहा है, आप बहुत जल्दी इस अकेलेपन से, इस तरह के डिस्ट्रैक्शन से, लाइफ में किस तरफ जाऊं किस तरफ नहीं जाऊं वो आपको फोकस मिल जाएगा, आपको लाइन मिल जाएगी, आपको आपका करियर पाथ अगर नहीं मिला है तो करियर पाथ मिल जाएगा, लेकिन हाँ सेटिस्फैक्शन ही मिलेगा। ये एनर्जी गाइज यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली मुझे नज़र आ रही है। कुछ और भी कार्ड्स लूँगी एंजल गाइडेंस के लिए, ओके। अगर व्यूअर्स आपसे रीडिंग रेजोनेट हो रही है, आपको आपके सवालों के जवाब अगर मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि मैं नहीं दे रही हूँ, मैं तो ये मानती हूँ मैं नहीं दे रही हूँ, क्योंकि जो कार्ड आएंगे हम उनको रीड कर रहे हैं, उनको इंट्यूटिवली रीड करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। सो आपको अगर आपको आपके सवालों के जवाब मिल रहे हैं तो इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स सी आपके लिए यहाँ पे एंजल की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, कि सवालों के जवाब मिल रहे हैं तो इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स सी आपके लिए यहाँ पे एंजल की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। ये दो कार्ड हैं आपके लिए, परफेक्ट टाइमिंग आ गई है आपके लिए, ठीक है। और व्यूअर्स यहाँ पे ये जो नो का कार्ड है ना, ये आपको बहुत कुछ कह रहा है, जैसे किसी को नो बोलने के लिए आपको बोला जा रहा है, से नो, ठीक है। अगर आप अपनी एनर्जी को किसी के लिए बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं तो उसको नो बोलें, खुद से नो बोलना सीखें, बाउंड्रीज सेट करें, ठीक है। आपके लिए अगर कुछ चीज़ें सही हैं तो उसको अडॉप्ट करें, जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं है उसको रिजेक्ट करें, यस। तो आपके लिए ये है यहाँ पे मैसेज नो का, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे और क्या है, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या मैसेजेस आपके लिए हैं, आप मेरे व्यूवर्स के लिए क्या लाए हैं। यू आर रेडी, आप इसके लिए तैयार हो, इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। आपकी लाइफ में वो वक्त आ चुका है जहाँ पर आप अपनी लाइफ में एक नया अध्याय देखने जा रहे हो, उसको जीने जा रहे हो, तो इसीलिए यहाँ पे कार्ड आया है यू आर रेडी। क्या आप अब तैयार हो चुके हो, क्या आप अपने मन को बना चुके हो, क्या आप नो कहना सीख चुके हो, क्या आप खुद का, अगर किसी ने आपको नो बोला है तो आपने क्या उसको एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। ये नो बहुत बड़ी एनर्जी है जो ईजिली एक्सेप्टेड नहीं की जाती है। हर किसी को यस सुनना पसंद है, हर किसी को यस के साथ में जाना पसंद है, हर किसी को पॉजिटिव रहना पसंद है, पर समवेयर अगर कुछ नहीं मिल रहा है आपको, अगर आपको नो मिल रहा है तो इट मींस वो आपके लिए नहीं है, ठीक है। अगर आपको अभी वो लाइफ नहीं मिली है तो इट मींस आपको आपको कुछ और वे यहाँ पे दिया जा रहा है। तो नो बहुत बड़ा है व्यूअर्स यहाँ पे, आई थिंक सो मैंने आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है इस नो के बारे में, आपको समझ में आ चुका होगा। और लास्ट कार्ड आपके लिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या है आपके लिए मैसेज में, अबेंडेंस, ठीक है। तो यस, आपकी लाइफ में अबेंडेंस आ रही है, आप तैयार हो इस अबेंडेंस के लिए, आप तैयार हो इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, आप तैयार हो उस खूबसूरती को जीने के लिए, क्या आप तैयार हो जो आपको मिल रहा है उसको रिसीव करने के लिए, ठीक है। क्योंकि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि मैंने बोला तीन गुना ज़्यादा मिलेगा, तीन गुना ज़्यादा मिलेगा, तो आप संभाल पाओगे, क्या आपने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है इस ट्रांसफॉर्मेशन में, आपने सीखा क्या इस पॉज में, आपने सीखा क्या इस पॉज में, क्या आपने खुद के ऊपर वर्क किया, क्या आपने डेवलपमेंट में वर्क किया, ठीक है। तो ये व्यूअर्स आपके लिए मुझे यहाँ पे मैसेज मिला, आई थिंक सो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक आपने इस नो के साथ में जीना नहीं सीखा है तो टेक एक्शन, एक्शन ले लो, अभी भी वक्त है, रेडी हो जाओ इस एक्शन के लिए, ठीक है। तो ये व्यूअर्स आपके लिए मुझे यहाँ पे मैसेज मिला है। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें और इस चैनल से जुड़े रहें, ओके। सो आई टेक केयर।